क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेनर यह है, कोई भी ट्रेनर कुछ नहीं कर सकता अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है। 8 रैप फट गया, मेरी बॉडी सारी थक जाती है जब मैं गिव अप तो करना है नहीं। वीडियो पे आपके प्यार की कमी देख रही है, प्लीज़ प्यार दे दीजिए क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें शो करेंगे। डेडिकेटेड वर्कआउट फॉर योरसेल्फ, किसी से कोई शो ऑफ नहीं है, किसी के लिए नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हो। तो कैसा फील चल रहा है भाई? लंका लगी हुई है। एंड दिस इज द वर्कआउट। और अंदर आपको पेट की तरफ खींचना है और सीधे हाथ ऊपर और थोड़ा सा ना कोहनियाँ बैंड रहेंगी। लोग बस इसको ऐसे सीधा करते हैं। बैक अगर वी टेप भी नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है, वी शेप बनाना बहुत जरूरी है। 10 आँख में गिर गया यार, पसीना कैसे टपक रहा है। सो गाइस अभी शुरुआत करते हैं बैक की। नहीं, मैं नहीं मानता। और बैक में टी बार लेना है, लेकिन टी बार मशीन का वो हमारे पास में कमी है। सो इसीलिए हम उसका सब्सटीट्यूट लेंगे। सब्सटीट्यूट कैसे लेंगे, हम बारबल लगाएंगे और वेटेड करके उसे, और उसमें हम सिटेड मशीन का जो इक्विपमेंट होता है वो यूज़ करेंगे, हैंडल यूज़ करेंगे। नहीं, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और अब करते हैं हम टी बार एंड वेट। मैंने पहले 2 सेट ले लिए हैं, पहला सेट लिया था 20 से, उसके बाद 30 से, मैं 40 से ले रहा हूँ। और इसके बाद हैवी वेट ट्राई रहेगा कि लास्ट तक जाएँ, जितने में मेरे 8 रेपिटेशन आएंगे। और इसके रेपिटेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 करने। एक्चुअली जब आपकी मसल्स टियर अप होने लगती है आपको पता चलता है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेनर यह है, कोई भी ट्रेनर कुछ नहीं कर सकता अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है। सो डेडिकेशन जगाओ। अभी ये लास्ट सेट एंड हैवी वेट। फट गया। अभी मैंने आपके साथ बारबल से टी बार का सब्सटीट्यूट ड्राइंग लिया और अभी मैं आ जाता हूँ बिहाइंड नेक लेट पुल डाउन। सो करते हैं ये वर्कआउट, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है। स्लो नीचे लाना है, होल्ड करना है, उसके बाद लेके जाना है। एक्चुअली बताया क्या, मेरी बॉडी सारी थक जाती है जब मैं वार्म अप 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग, इसी में थकान हो जाती है। लेकिन गिव अप तो करना है नहीं। वीडियो पे आपके प्यार की कमी देख रही है, प्लीज़ प्यार दे दीजिए क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें शो करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी वर्कआउट चेंज करते हैं क्योंकि बैक अलोन लेता हूँ मैं, अपर बैक एंड लोअर बैक साथ में लेता हूँ। सो अभी थर्ड एक्सरसाइज में लूँगा सिंगल हैंड डंबल। सो एक्चुअली यार एक ही वेट से लूँगा, 25 से 3 सेट। सो आप देख सकते हैं, और इस तरीके से वर्कआउट करना है। डेडिकेटेड वर्कआउट फॉर योरसेल्फ, किसी से कोई शो ऑफ नहीं है, किसी के लिए नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हो। सो इसमें कंजूसी नहीं, वर्कआउट। और अभी अच्छे होंगे गाइस। बैक का ना ये वाला वर्कआउट, शमशाद के पसीना देखो, मतलब टी शर्टें मैंने दिखाया था ना आपको, हम लोग निचोड़ लेते हैं, टी शर्ट निचड़ जाती है। सो कैसा फील चल रहा है भाई? लंका लगी हुई है। देखो ये देखा, मतलब सब खली पा हो रहे हैं, अब उसकी बारी है, आएगा। सो इट्स माय टर्न, अभी बैक का वर्कआउट करते हैं चेंज। एंड दिस इज द वर्कआउट। सो ये वर्कआउट बैक के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर वर्कआउट है। इसमें अगर आप ज़्यादा बैंड होंगे तो आपको लोअर बैक पे इशू रहेगा। सो एज पर
योर कंफर्टेबल पॉइंट, लेकिन बैक आपको पूरी स्ट्रेच करनी है और अंदर आपको पेट की तरफ खींचना है और सीधे हाथ ऊपर और थोड़ा सा ना कोहनियाँ बैंड रहेंगी। लोग बाग इसको ऐसे सीधा करते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। आपको हल्की सी कोहनियाँ बैंड रखनी है और सीधा ऐसे। वर्कआउट ये बैक अभी चल रही है, बैक मारने में एक्चुअली बहुत मज़ा आता है क्योंकि आपको वी एस जब आप शो ऑफ करेंगे, मसल्स दिखाएंगे, उस टाइम पे आपको अगर बैक अगर वी टेप भी नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है। वी शेप बनाना बहुत ज़रूरी है और वो टेपर निकल के जब आएगा जब आप डेडिकेटेड वर्कआउट करेंगे, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जैसे मैंने सिंगल हैंड लिया, बिहाइंड नेक लिया, हीवर लिया, ये सब चीज़ें आपके बैक मसल्स को गेन भी करती हैं और शेपअप के लिए जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे मैं ड्रॉप सेट लेता हूँ और लाइट वेट से रेपिटेशन लेता हूँ, पहले थोड़ा हैवी लेता हूँ फिर लाइट वेट पे आ जाता हूँ, ये सब चीज़ें आपकी मसल्स में फ़ायदा देती है। आपके माइंड को इतना संकेत दे दो, मसल्स को इतना तोड़ दो कि जब डाइट लो आप नेक्स्ट टाइम वो इतनी रिबुल्ड हो गए हैं कि आपको मज़ा है, लोगों को भी मज़ा है जो आपको देख रहे हैं। थैंक यू। सो दिस टाइम अगेन टू चेंज वर्कआउट और अभी पुलो विद डंबल एंड ग्रिप आपको हैमर रखना है क्योंकि प्लेट्स के साथ करते हैं वो इफेक्टिव है, लेकिन मैं प्लेट्स और इसके साथ ऑल्टरनेट डे पे करता हूँ, एक बारी इस ग्रिप से और दूसरी बारी फिर ग्रिप चेंज, एक दो तीन चार, ये 20 किलो लिया हुआ है मैंने, पाँच छः सात आठ नौ दस, आँख में गिर गया यार। सो अभी वर्कआउट का एंड करते हैं, अब आ जाते हैं हाइपर एक्सटेंशन पे और हाइपर एक्सटेंशन वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्कआउट टू गिव पावर टू योर लोअर बैक। एंड पसीना कैसे टपक रहा है ये देखिए, एक्चुअली मेहनत है ये, और बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाना है और ऊपर आना है और इसके साथ फिर मैं वेट लूँगा और जब वेट लेके करूँगा वर्कआउट तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है। लोअर बैक बिल्कुल आपकी आर्क रखनी है आपको एंड स्लोली डाउन एंड फास्ट अप। सो आज के वर्कआउट का करते हैं एंड। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।